सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो। एंड गाइज, यहाँ पर आपको पता ही होगा अभी 4-5 दिनों से क्या खबर मतलब चल रही है सलार मूवी के रिलेटेड, कि सलार मूवी पोस्टपोन होने वाली है। लेकिन भाई साहब, वो खबर तो ठीक है कि सलार मूवी चलो पोस्टपोन होने वाली है, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि सलार मूवी अब पोस्टपोन हो गई है, तो सलार मूवी अब फ्लॉप होने वाली है। भाई साहब, मूवी का क्रेज ख़त्म हो चुका है, मूवी डिजास्टर होने वाली है, बिल्कुल हाइप नहीं बची है मूवी की। अब प्रभास का करियर खत्म होने वाला है, मतलब कि प्रभास के करियर में एक और फ्लॉप मूवी लगातार शामिल होने वाली है। तो यहां पर गाइज मैं आपको बता दूं कि सलार मूवी भले ही पोस्टपोन हो जाए, भले ही अभी तो नवंबर बता रहा है कि नवंबर में आएगी, लेकिन भले ही भाई साहब ये 2024 में मूवी चली जाए, लेकिन सलार मूवी जब भी आएगी ना गाइज, ऐसे रिकॉर्ड बनाएगी सलार मूवी बॉक्स ऑफिस पर, कोई मूवी नहीं तोड़ पाएगी। मतलब सारी मूवीज के रिकॉर्ड को सलार मूवी तहस महस कर देगी। ऐसी सलार मूवी है गाइज ये, मतलब कि हाई भले ही अभी कम हो मूवी की, लेकिन आज मेकर्स अभी अगर अनाउंसमेंट कर देना कि हम 28 सितंबर को आ रहे हैं, भाई साहब अभी जितनी हाइप है ना, उससे डबल हाइप सलार मूवी की हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइप तो पहले से ही है, काफ़ी सारे लोग भाई साहब इस मूवी का इंतज़ार पहले से कर रहे थे, और मैं भी कर रहा हूँ भाई साहब। अभी भी मुझे उम्मीद है मेकर्स से है कि क्या पता 28 सितंबर को मेकर्स रिलीज़ कर दे मूवी को। लेकिन यहाँ पर हाइप मूवी की गाइज ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि गाइज आपको पता हुआ एक मंथ पहले इसकी एडवांस बुकिंग USA में ओपन हुई। भाई साहब क्या कमाल किया, आपको खुद को पता है गाइस कि कितनी बड़ी मतलब कि एडवांस बुकिंग के नंबर से इसने हासिल कर लिए हैं ओनली USA से भाई साहब। तो इसी से पता चलता है गाइस कि सलार मूवी की हाइप ज़्यादा है या फिर कम है, अब कम हो चुकी है, या फिर सलार मूवी की हाइप और ज़्यादा बढ़ रही है भाई साहब। मतलब मूवी के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं आ रही है, बिल्कुल पता ही नहीं है मेकर्स क्या देने वाले हैं, मतलब अता पता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या आने वाला है मूवी की तरफ से। लेकिन फिर भी मूवी का प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोज भाई साहब डेली ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आती है सलार मूवी, प्रभास के हैशटैग ट्रेंडिंग में आते हैं। तो इसी से पता चलता है कि मूवी की हाइप तो है भाई साहब, बज तो है मूवी का, जब भी तो भाई साहब लोग इसके हैशटैग से ट्रेंडिंग में चला रहे हैं, इस मूवी की बातें इतनी सारी होती है। तो गाइज मूवी की हाइप कम नहीं हुई है, हाँ अभी मेकर से अनाउंसमेंट करेंगे ना तब इतनी ज्यादा इसकी हाइप हो जाएगी, मतलब जितनी अभी हाइप है उससे कहीं ना ज्यादा इसकी मेकर से अनाउंस करने के बाद हाइप होने वाली है मूवी की, और डबल धमाके के साथ मेकर से भाई साहब डबल धमाका करेंगे। एंड देखते हैं भाई साहब अब मेकर से कब तक अपडेट देते हैं। लेकिन भाई साहब सलार मूवी फ्लॉप नहीं होने वाली है, सलार मूवी एक पहले से ही ब्लॉकबस्टर मूवी है भाई साहब, ब्लॉकबस्टर मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है सलार मूवी, पहले से ही जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है ना गाइज तभी से। और गाइज सलार मूवी से रिलेटेड अगर कोई भी न्यू अपडेट मेरे पास निकल कर आती है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।